अस्सलाम वालेकुम। समर्स में जब समर स्टार्ट होता है तब इस तरह की छोटी कैरी मार्केट में आती है, तब इसके बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनाए जाते हैं और उसमें से ये कैरी का अचार तो कंपलसरी बनाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा मसाले को पहले रोस्ट कर लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून जीरा है, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी मेथी है और 5 लहसुन की कलियाँ हैं। इन सबको हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जीरे का कलर चेंज हो गए बाद इसमें से थोड़ी सी अच्छी सी जीरे की रोस्टेड स्मेल आने लगेगी, तब हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। अब इसी कढ़ाई में हम तड़के की तैयारी करते हैं। अब इसी पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल ऐड कर लिया है। अभी पैन हमारा गरम है। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा, हम इसके अंदर 4 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक कट कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई ऐड कर दूंगी। जब हमारा जीरा और राई अच्छे से स्प्लैटर होने लगेंगे, उस टाइम पर हम स्टोव का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको बाजू रख देंगे ठंडा होने के लिए। मैं कैरियों को छील लिया है। अब इसके बाद मैं इसको ग्रेट कर लूंगी। ये ग्रेटर का जो बड़ा साइड होता है ना, उस वहाँ से हमें ग्रेट करना है। इसको मैंने पूरा ग्रेट कर लिया है। अब इसकी सीड जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उसको बाजू कर रख देंगे। और ये पूरा मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये जो ज़ीरा राई है इसका मैं पाउडर बना लूँगी। लहसुन को बाजुक रखना है, पहले ज़ीरे का पाउडर बना लेना है। ज़ीरे का फाइन पाउडर बन गया है। मैं पीस लिया है। अब ये सारे लहसुन को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। सारे मसालों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी जो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके बाद हम इसमें से 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मसाले वाला हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर यहाँ पर ज़्यादा मसाला पसंद है तो थोड़ा मिर्ची और थोड़ा सा जो ज़ीरा पाउडर हमने पीसा है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लेना। मैंने तो बस 1 टेबल स्पून ही ऐड किया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और उसके बाद ये जो तेल हमने पहले ही इसका तड़का बना कर रखा था ना, ये ठंडा हो गया है, तो अब ये ठंडा तेल हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेना है। समर्स में इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।